बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली सिविल सर्वेंट के लिए है और वो सी लीव के बारे में है, कैजुअल लीव के बारे में है कि ग्रांट ऑफ कैजुअल लीव जो है उनका प्रोसीजर क्या है और एक सरकारी मुलाजिम जो है वो एक साल में कितने कैजुअल लीव जो है ना वो अवेल कर सकते हैं, एक टाइम में एक सिविल सर्वेंट जो है ना वो कितने सी एल जो है ना वो अवेल कर सकते हैं और इसके अलावा क्या वो दूसरे साल के सी एल जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मजीद वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात कर रहे थे कैजुअल लीव के बारे में कि कैजुअल लीव जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की जो एम्प्लाइज़ है उनके लिए साल में टोटल कैजुअल लीव कितने हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि एक सिविल सर्वेंट जो है एक साल में 20 जो है वो कैजुअल लीव जो है वो ले सकते हैं, वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल लीव जो है वो आपका एक राइट नहीं है बल्कि ये जो अथॉरिटी है उनकी सवाबदीदी अख्तियारात है। लेकिन ये है कि जो अथॉरिटी है या जो भी सेंक्शन लिविंग अथॉरिटी है उसको भी जो है ना लिबरल होना चाहिए स्पेशली कैजुअल लीव को देने में। अभी ये है कि एक सवाल है कि क्या कैजुअल लीव जो है वो एक टाइम में हम एक सिविल सर्वेंट कितने कैजुअल लीव जो है ना वो ले सकते हैं। पहले तो ये होता था कि एक कैजुअल लीव आप जो स्टाफ मेंबर है वो 10 तक कैजुअल लीव जो है वो ले सकता था एक टाइम, और जो ऑफिसर था वो 15 कैजुअल लीव जो है ना एट अ टाइम वो ले सकता था। लेकिन अभी बाद में इस कानून में अमेंडमेंट हुई है, एक स्टाफ मेंबर भी 15 कैजुअल लीव एक साथ जो है वो ले सकता है। इसके अलावा जो है एक वो, लेकिन वो भी है कि कंपटीशन अथॉरिटी के उसकी सेंक्शन जो अथॉरिटी है ये उनकी रजामंदी है कि आपको जो है वो एट अ टाइम जो है वो 15 कैजुअल लीव जो है ना वो दे। लेकिन ये इज़ अ मैटर ऑफ राइट जो है वो एक सर्विस सर्वेंट जो है ना उसको अपने लिए कंसिडर नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए ये है कि सेंक्शन अथॉरिटी के लिए भी ये होना चाहिए कि उसको वो थोड़ा सा सेंक्शन लीव सेंक्शन करने में जो है ना उनको लिबरल होना चाहिए, ज़्यादा जो है ना वो हार्डनेस और सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। अभी बात यह है कि एक सिविल सर्वेंट फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 10 सी एल जो है वो दिसंबर 22 दिसंबर 2000 फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 तक उन्होंने 10 सी एल जो है वो अवेल की है, उसके रिमेनिंग उसके अकाउंट में जो बाकी है वो 10 सी एल है। अभी उसको ज़रूरत है 15 सी एल की, 15 सी लीव जो है ना वो लेना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में तो साल ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो अब उन्होंने क्या करना है। अब उन्होंने क्या करना ये है कि उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 22 दिसंबर को वो जो है ना वो अप्लाई कर देता है उसके लिए छुट्टियों के लिए कि मुझे 15 दिन सी लीव चाहिए, तो ये होगा कि 10 दिन तो ऑलरेडी सी लीव उनके अकाउंट में ऑलरेडी है, लेकिन रिमेनिंग 5 दिन जो है वो उनको अगले साल से भी जो कंपटीशन अथॉरिटी है जो सेंक्शन अथॉरिटी है वो वहाँ से दे सकती है। तो कोई सिविल सर्वेंट एक साथ जो है वो 15 CL जो है वो ले सकता है, उसके 10 जो CL है वो पिछले साल में फॉर एग्ज़ाम्पल 2023-2024 में उनके 10 CL हैं बाकी हैं, तो 10 CL ये होंगे और 5 CL जो है वो अगर दिसंबर 2024 में फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करते हैं छुट्टियों के लिए सी लीव के लिए, तो 5 जो रिमेनिंग छुट्टियाँ हैं वो 2025 के जो क्रेडिट में से जो है वो 5 CL जो है ना वहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो एक वक्त में एक सिविल सर्वेंट जो है वो 15 सी लीव जो है ना एक साथ ले सकता है, और लीव के बारे में यही है सील के बारे में कि एज अ मैटर ऑफ राइट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते बल्कि अथॉरिटी की जो है वो उनकी मर्जी है और उसको लिबरल होना चाहिए कि आपको छुट्टियां देने में जो है वो ज़्यादातर ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाए बल्कि नरमी और एक लेबर बिहेवियर जो है एक एजी बिहेवियर रखिए और छुट्टियां सेंक्शन करने में या छुट्टियां देने में जो है वो थोड़ी सख्ती से जो है ना वो इज्तनाब करें। तो ये है, ये मैंने आपको इस वीडियो में इस पॉइंट को मैंने एलिबोरेट किया कि एक सिविल सर्वेंट एक साथ जो है वो 15 सी लीव जो है वो ले सकता है, इसके अलावा ग्रांट ऑफ सी लीव उनके लिए जो है वो क्या है वो 20 सी लीव है जो कि ऑलरेडी ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन को उसके बारे में इलम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हम एक साथ जो है हम कितने सी ले सकते हैं, और अगर एक साल में जो है ना
में हमारे पास कोई क्रेडिट है, 10 है या कुछ भी है, और अगले साल में हम कुछ ज़्यादा छुट्टियां लेना चाहें तो क्या अगले साल में हम इसको एकोमोडेट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और आपके लिए जो है ना कानून में ये गुंजाइश है। पहले स्टाफ के लिए जो है ना वो 10 दिन थे, अभी जो है ना 15 दिन, एक स्टाफ भी वो 15 दिन सी लीव जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इस्तेफादा हासिल हुआ होगा। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने इस चैनल का विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।